आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं, टाइटल है पाकिस्तानी विजिटिंग जुहू चौपाटी बीच मुंबई, मुंबई स्ट्रीट फूड इंडियन फूड। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हम लोग चैनल के इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। गीली मूंगफली उबला हुआ खट्टा मीठा, क्या ये क्या भैया? मेरा चना बना है, अल्लाह उसको खाएगा दिल वाला चना। और लोगों को हो रहे वो पीछे कर रहे हैं, ये देखो वो लोग ही लोग। ये पूरा जुहू बीच है भाई, टोटल यार ये एक नया कॉन्सेप्ट है ये ना, समंदर के बीच में और ये चौपाटी बीच के बीचों बीच जुहू चौपाटी वड़ा पाव। ये कोई शायद टिकटॉक ये स्ट्रीट फूड नहीं है। कितने का भाई? स्किल चेक करें, समंदर पे लगा हुआ है, बराबर हल्का सा घूप घूप हुआ है, साहिल पे लगा हुआ है। दोस्तों लास्ट व्लॉग में आपने देखा कैसे हमने मुंबई का फर्स्ट इम्प्रेशन बनाया था और मोस्टली नाइट में ही वीडियो शूट की थी। तो इस व्लॉग में हम भाई डे टाइम में निकले और देखते हैं मुंबई कैसा लगता है भाई। तो अब हम जा रहे हैं मुंबई की मोस्ट फेमस एक जगह, आप कह सकते हैं जुहू चौपाटी बीच पे। तो फर्स्ट वीडियो मुंबई की डे टाइम में अगर जुहू चौपाटी हो जाए तो क्या ही बात है। और इस टाइम हम गुजर रहे हैं बॉलीवुड के शहंशाह, जो क्या कहें यार, जिनका नाम भाई बॉलीवुड के बादशाह, बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के घर के सामने से, जिनके घर का नाम है जलसा। तो चले यहाँ पे बाद में आएंगे दोबारा से, और अभी चलते हैं जुहू चौपाटी। सलाम नमस्ते दत्रियाकार दोस्तों, मैं वो टाइम जाया नहीं करूंगा ज्यादा, इसलिए सीधा ही आ रहा हूँ। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुंबई में बहुत ही फेमस जगह पे, जिसका नाम है चौपाटी। चौपाटी है, जुहू चौपाटी, ये जुहू चौपाटी है, खाली चौपाटी नहीं है। जुहू बीच भी यही है, चौपाटी यही है, अमिताभ का घर बिल्कुल साथ ही है। भैया वो खाने पीने की दुकानें कहाँ हैं? यहाँ पे है। तो हम सैर करते हैं, भैया क्या नाम है? विपिन, विपिन भाई ने बता दिया हमें। सैर करते हैं थोड़ी सी बीच की, आप देखिए और इतने लोग। मैं ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में, थाईलैंड पे गया हूँ, लेकिन भाई कभी मैंने जिंदगी में बीच में इतने लोग नहीं देखे। मतलब बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं, बड़ा ही मज़ा आ रहा है, पिकनिक मना रहे हैं, खा रहे हैं। तो चलते हैं, सैर करते हैं, कुछ खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं चौपाटी, जुहू चौपाटी बीच। आ जाए, ये भुट्टे की भी बड़े भाई स्टॉल्स हैं यहाँ पे। अच्छा ये भी मिलता है यहाँ पे, हमारे वहाँ नमक पे मिलते हैं, हमारे वहाँ नमक में तलते हैं, यहाँ पे कोयले पे रहते हैं। क्या बात है, हो जाता है। बोल दो, बोल दो। ये फ्रूट्स वाले भी बैठे, क्या चीज़ है, मूँगफली, गीली मूँगफली उबला हुआ, और ये क्या है, खट्टा मीठा, क्या भाई ये कोई नई चीजें, फर्स्ट टाइम उबली हुई मूंगफली, मैंने कभी नहीं खाया। तो भाई उबली हुई मूंगफली और ये क्या भैया, खट्टा मीठा बोर, तो पता नहीं क्या चीज है। उबली मूंगफली तो सारी जिंदगी खाई है, उबली भी कभी नहीं खाई। भैया देना थोड़ी सी, एक कैसे खाते हैं ये, एक इसको यूं तोड़ के खाते हैं, इसको नॉर्मल तरीके से ही है, देखते हैं भाई। यार वैसे नॉट बैड, मैंने कभी नहीं खाई, हमेशा भुनी हुई खाई है, नॉट बैड, ठीक है ये भी। एक मिनट, नहीं मैंने चख के देखनी, पैसे दे देता हूँ। और ये है खट्टा मीठा, खट्टा मीठा बोर, ये फालसा टाइप लग रहा है ना, यार फालसा इस चेरी टाइप नहीं होता, बीच से है इसमें। यार ये कौन सा फल है ये? हाँ फल है, बेर का फल है, बड़ा बेर का था, बेर का, बेर का, बेर का। अच्छा अच्छा, और ये क्या चीज है? अच्छा 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 अच्छा, और ये क्या चीज है? मीठा लगेगा, मीठा है ये भाई, ये दें, ये भी खाते हैं भाई। नाशपाती टाइप लग रहा है, ये फल भी मैंने कहीं देखा है, दिल्ली में देखा था शायद, अभी सोचा नहीं था भाई चौपाटी पे आके। प्यारे लग रहे हैं ना वो पंखे से, जबरदस्त। ये क्या है भैया? चना जोर गरम। भाई ये वही है जो हमने खाया था बेंगलोर में। अच्छा 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 अच्छा, कितने का है? 10 का दे दो थोड़ा सा यार। तो मैंने भाई को कहा है 20 रुपए का है, लेकिन मैंने खाना नहीं है ज्यादा, मैं कहा 10 का दे रहे हो, कहते नहीं 20 का ही मिलेगा। तो मैं कहा अच्छा जो आपका दिल है कर दे भाई। ये चना, ये नींबू, अच्छा ये गर्म होता है, ये देखे कोयले रखे हुए, ठीक ठीक ठीक, क्या बात। तो ये टमाटर क्यों रखे हुए? टमाटर जैन आदमी के लिए। अच्छा जैन, ओ यस यस यस, तो ये मतलब तो ये प्याज जो है, प्याज रेगुलर वाले के लिए, रेगुलर वाले के। आगे देखते हैं भाई, चना जोर गरम, चना जोर गरम,
क्रांति पिक्चर से फेमस हो। हैं? क्रांति पिक्चर से फेमस हो। क्रांति पिक्चर मेरा चना बना है अल्लाह उसको खाएगा दिल वाला चना जो गाना। क्या नाम है भैया? हरे राम यादव। हरे राम अच्छे भाई है भाई, मजेदार। थैंक यू। चौपाटी पे कुछ तो खाना था, क्यों ना हरे राम खाए। हरे राम यार, अच्छी बात ये है यहाँ पे लाइफ गार्ड भी है मौजूद, ये देखें, और हर थोड़े थोड़े जगह पे खड़े हुए हैं। ये वॉलंटियर हैं, सरकारी हैं, अब ये पता नहीं है, लेकिन खड़े हुए हैं। और जितने लोगों का रश है डेफिनेटली हर 10-20 मीटर पे होना चाहिए, लेकिन वो पीछे कर रहे हैं, पुलिस वाले भाई भी हैं और लोगों को पीछे कर रहे हैं, शायद पानी चढ़ रहा है डांट के। और लोग बोले पीछे कर रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं सुनते तो थोड़ा पुलिस को करना पड़ता है, सख्ती भी करनी पड़ती है। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिल रही हैं बीच पे, देखते हैं क्या क्या मिल रहा है। भैया क्या क्या बेच रहे हैं, खाते हैं आप? ये भैया कुछ क्या चीज़ है भैया? ये अच्छा भेलपूरी, चौपाटी बीच की भेलपूरी, वाह क्या बात। कितने की है? 20 रुपए की। सही है यार, 20 रुपए में जबरदस्त एंटरटेनमेंट। बहुत काफी लोग नहा रहे हैं भाई पानी में, गर्मियां हैं और पूरा सीन है, टीम फुल ऑन है, सेल्फियां खींची जा रही हैं। वो देखो वो भाई यार, और ये बहुत आगे तक है, ये देखो ये देखो, वो लोग बहुत दूर तक है यार। ये पूरा जुहू बीच है भाई, छोटा तो भाई यहाँ पे खाने पीने के काफी स्टॉल्स लगे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, रेत को खुदाई कर रहे हैं, और कभी सोचा नहीं था जुहू चौपाटी बीच पे आऊंगा। वाह, देख सकते हैं मेरे पीछे लाइनें लगी हुई है, क्या बात। तो भैया ये बचपन में हम जाते थे कराची क्लिफ्टन बीच, और इस तरह ये चीजें उड़ रही होती थी, आज मुझे वो याद ताजा हो गई है। यहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे उड़े हैं, बच्चे उड़ा रहे हैं, बड़े उड़ा रहे हैं, जबरदस्त। बहुत रश है भाई, ये देख सकते हैं आप, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं वो, क्या बात। मैं वो इंतजार कर रहा हूँ जो पानी में है, वो क्या है? और ये भी मुझे याद आ गया भाई, कराची में हम अपने पेरेंट्स से जिद करते थे हमें ये दिला के दें, क्या बात है। बहुत अरसे बाद में इस तरह के बीच आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये ऊपर जो उड़े हैं बहुत सारे, वो होते थे हमारे, ये बंदर हैं, बंदर नहीं होते थे, ये होते थे हेलीकॉप्टर से ये। यार ये एक नया कॉन्सेप्ट है, ये ना समंदर के बीच में एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लगाया हुआ है इन्होंने, वाह भाई चेक करो, एक शिप सा रखा हुआ है, उस पे बहुत बड़ी सी स्क्रीन है, वाह ये देख दूर से नजर आ रहा होता है, और बहुत ही खूबसूरत सनसेट, क्या बात। ये छोटे छोटे खिलौने, बढ़िया इनको देख के लगता था यार बस ये मिल जाए, मिल जाए लाइफ बन जाएगी, पर मुश्किल होता था भाई सब मिलने। अब नजर आ रहे हैं देख, आजकल के बच्चे तो ऐसे बहुत एडवांस है भाई, डिजिटल है वो, कहां ये मांगते हैं, इनमें इंटरेस्ट कम ही है वैसे, पर वो ये चीजें कहां मांगते हैं। और ये चने चाट की रेड़ी बीचों बीच लगी हुई है, लेकिन भाई साहब कहीं गए हैं, और ये चौपाटी बीच के बीचों बीच चना चाट, क्या बात है। चने का सजाए में ना, और रंग भी इतना चनो, वाह भाई वाह, कलर करेक्शन किया हुआ, क्या बात है भैया, क्या क्या चीजें। अच्छा हाँ, पानी पूरी, बेल पूरी, वाह। एटीएम पड़ा तो हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे काफी सारे फूड के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और फिर वहाँ पे कहेंगे सेफ पूरी है, ये पानी पूरी है, क्या बात। ये देखें पान वाले भाई भी, ये भी मेरे वाला काम है। सर जी क्या हाल है? मॉडर्न ट्राई कर सकते हैं। हाँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे लगा अच्छा होगा, अच्छे का तो पता नहीं, मुझे तो चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। और ये मुंबई की शान है मेरे ख्याल है, ये वड़ा पाव। हाँ वड़ा पाव, यही तो खाएंगे हम, ये वड़ा पाव है भैया, क्या बात।
जुहू चौपाटी वड़ा पाव, क्या बात है, क्या बात है। और फिर आपको दिखा दें यहाँ पे बीचों बीच, बीच के बीचों बीच ये और कितना खूबसूरत, कितना खूबसूरत सनसेट का मंजर है। ये कोई शायद टिकटॉक बना रही है, कुछ कर रही है शायद। टिकटॉक नहीं चलती इंडिया में। नहीं बता रहा ना, नहीं मैं बता रही हूँ। तो भाई बीचों बीच क्राउड के जा रहे हैं और बहुत ही मजा आ रहा है। ये देखें इस तरह की कॉस्मेटिक्स की भी हैं, कॉस्मेटिक्स नहीं है सॉरी, ज्वेलरी वगैरह जो होती है। ये सीपियाँ बचपन में हम देखते थे, ये देखें पर्ल वाली ढूंढ रहे थे। कितने का भाई? 11। भाई इतनी गर्मी में ये ना पिया। 50 वाला है कोई? 160 वाला दे दे। तो अगर इतनी गर्मी में ये ना पिया तो चौपाटी आए क्यों? वाह स्किल चेक करें। ये भाई सामने अमिताभ का घर है ना, कभी मिले हैं? देखा कभी? शूटिंग पे आए। तो ये अमिताभ जी के घर से कोई 100 मीटर कितना है यहाँ? बराबर ही है ना? डेढ़ किलोमीटर है। एक किलोमीटर, अच्छा हाँ लग रहा था 100-200 मीटर है। वाकई मुड़ के जाएं तो अमिताभ जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, बॉबी देवल, सनी देवल सब साथ ही रहते हैं जूहू पे। भाई ने कभी देखा ही नहीं। वाह प्रेजेंटेशन चेक करें। और ऊपर तक यार ये देखो, ये ऊपर तक बराबर हल्का सा घूप घूप हुआ गया। चौपाटी बीच पे है भैया, कैसे क्या नाम है? रविंदर सिंह। जबरदस्त भैया रविंदर भाई, चौपाटी बीच पे पहली दफा जिंदगी में, पहली दफा। ठंड बढ़ गई यार। तो ये जब खा लेते हैं आप, सॉरी पी लेते हैं पानी, उसके बाद ऐसे ही उसको बना के देते हैं। वाह 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 ये बहुत ही फ्रेश। वाह हमारे लिए तो फ्रेश नहीं थी। नहीं फ्रेश थी, मलाई टाइप थी वो भी, और इतनी मजे की नहीं थी। आगे चलते हैं। हमें बासी खाने की आदत पड़ी हुई है ना बेटा, लेकिन उसका पानी जो है वो थोड़ा सा कड़वा था। मैंने बीच पे टॉयज की भी बहुत वैरायटी थी और बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट टॉयज मिल रहे थे। वो पिकाचू था ना? पिकाचू ना। अरे ये तो बच्चों को बहुत अभी भी मिलते हैं, वो तो कह रही थी। तो दोस्तों ये था बहुत ही अमेजिंग डे जुहू चौपाटी बीच पे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अब हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यहाँ का बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड, जो कि ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे इंडिया में बहुत ही फेमस है। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपना और आस पास वालों का ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ। ज़िंदगी में मैंने सिर्फ एक बार ही जो है ना अपनी आँखों से जो है वो समंदर देखा है, लेकिन मुझे जो है ना भाई अच्छा लगता है समंदर किनारे। लेकिन सुना है मैंने लोग काले शाले हो जाते हैं। अच्छा तो तू जैसे होकर नहीं आया था ना? सुना है मैंने लाइव खुद के साथ हुई ये चीज़ें, और बाबा मेरा तो रंग सड़ गया था। वैसे मैं ये जानना चाहूँगी, बाकी मैं ये मौजूद में से बड़ी अच्छी बात की है कि मतलब यहाँ पर भी जो लोग रहते हैं और मतलब समंदर के किनारे जाते हैं या समंदर में थोड़ा सा बोटिंग वगैरह करते हैं, तो मतलब उनके भी कलर वगैरह जो है उस पर फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता उनका फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर हम जहाँ पे गए थे जहाँ पे जिस मंदिर में वहाँ पे अगर देखा जाए तो उन लोगों का रंग ओके था। जो बाहर से लोग आते हैं ना उनका खराब होता है, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं रंग खराब हो जाता है, समंदर में जाते हैं रंग खराब हो जाता है। ये मैदानी इलाकों के लोगों की ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुझे लगता है, क्योंकि मेरा तो रंग ऐसा सड़ गया था ना कि मेरी स्किन वाकई में उतर गई थी। बाकी मैं भी अभी अपनी वो तस्वीरें वहां वाली देखता हूँ ना, तो उसमें ये फील होता है कि मेरा रंग जो है ना वो काफी ज्यादा जो है वो सड़ गया था। तो लेकिन जो है आप उस टाइम को फिर भी एंजॉय करते जो मर्जी हो रहा, लेकिन उस मोमेंट को उस टाइम को जो है ना वो आप जो है ना एंजॉय करते हैं। लेकिन भाई इतना रश समंदर किनारे, मैं कहता हूँ कि भाई अगर आप देखे सेंटर में खड़े हो गए, इधर भी लोग उधर भी लोग, भाई बहुत वाकई बहुत ज्यादा लोग थे बीच पे। बहुत भीड़ थी, मतलब इतनी भीड़ मैंने भी कभी नहीं देखी। वैसे हम इंडिया की काफी सारी वीडियोस देखते हैं और हम लोग ऑन एंड ऑफ यही बात करते रहते हैं कि भाई इतनी भीड़ हमने नहीं देखी, इतनी जब भी वीडियो देते हैं। और ये सच है कि लाइक अगर जैसे अगर हम लोगों ने थोड़ा ट्रैवल भी किया है, रिमेम्बर जब हम लोग केएल टावर के सामने हमने वीडियो ली थी, वहां पर लोग पिक्चर्स ले रहे थे ना, तो बहुत ज्यादा रश हम लोगों को लग रहा था, जो एकदम से वो एक
हम में से 10 लोग जमा हो जाए लगता है बड़ा रश है। मुझे सही बात है, लेकिन वाकई यार ये मुंबई में आपको जो है वो ये चीज देखने को मिलती है। आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन की अगर बात कर लें, जैसे अभी ये जुहू बीच देखा है, अगर गेटवे ऑफ इंडिया है उसके आगे भी आपको अच्छा खासा रश मेरीन ड्राइव पे अगर आप बात करें वहां पे भी आपको अच्छी खासी जो है पब्लिक जो है वो देखने को मिलती है। पिछले दिन तो वहां पे तो भाई बहुत सारी पब्लिक जमा थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई आपके जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है यानी कि आपकी स्पेंडिंग पावर जो है वो मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा जो है मैटर करती यार, है। लेकिन एक और चीज बड़ी अच्छी है ना, देखो चीजें बड़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं, लाइक 20-20 रुपए में आपको इतनी अच्छी खाने की चीजें मिल रही है, मतलब और क्या आपको चाहिए, स्पेंडिंग पावर आपकी आ गई ना। हाँ तो मतलब, और देखो 20 रुपए में आपको इतना सा पैकेट मिल रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 50-100 रुपए से कम नहीं देंगे, कम अज कम 100 रुपया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई वैसे भी क्या नाम लेते हैं ऐसी जगह जो होती है जहाँ पे टूरिज्म वहाँ पर तो लूट लूट के वो वहाँ पे डील्स चल रही होती हैं, लेना तो लो नहीं लेना तो जाओ। अच्छा लेकिन वैसे एक चीज है, मुझे जो मरीन ड्राइव वाला एरिया ना मुझे वो ज्यादा खूबसूरत लगता है, वहाँ पे शायद रोशनी वगैरह काफी आपको रात के रोशनी भी, और वहाँ पर जो वो स्टोन्स पड़े होते हैं ना बड़े बड़े से डिफरेंट शेप में, वो मुझे बड़े खूबसूरत लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है वहाँ पर आप, हालांकि वहाँ पर भी मुझे लगता है काफी उस पूरी जगह पर लोग काफी ज्यादा पट्टी पे बैठे होते हैं। हाँ, बिल्कुल मतलब, अक्सर जब क्लिप से देखते हैं ऑलमोस्ट पूरी वो लाइन में जो है वो लोग जो है बैठे होते हैं एंजॉय कर रहे थे। मेरे ख्याल वैसे मुंबई के लोगों को जो है ना सनसेट या बीच पर जाना जो है वो मुझे लगता है साहिल पे रहने वाले साहिल लोगों की पसंद होता है। हाँ बट मुझे लगता है जो आउटसाइडर होते हैं ना उनके लिए ज्यादा ये चीजें, क्योंकि उन्होंने कभी कभी तो आना देखना रहता है, उनको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा भाई हम लोग इस तरह से देखें जिस जहाँ पर क्या से बोले सूरज ढल रहा है, तो मतलब अच्छा लगता है। बाकी मैं ये बात बोलूंगी कि भाई मुझे तो सबसे ज्यादा जो अच्छी चीज लगी ना वो ये लगा था छोटे छोटे जो ठेले लगे हुए थे, क्योंकि आपको वड़ा पाव भी मिल रहा है, बेलपूड़ी भी मिल रही है, गोलगप्पे मिल रहे हैं, फिर उसके बाद अगर आप अच्छा, बबल्स की बात करो, मुझे वैसे ना बबल्स बहुत पसंद है, शुरू से बहुत वैसे पसंद है, समंदर किनारे ज्यादा मजा है। मैं ये बात कर लूंगी, अच्छा बचपन में हम लोगों में से मुझे तो नहीं याद कि हमारे लिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज इतना इजी होता था जितना हमारे आजकल तो के बच्चों बचपन में बुलबुले पता क्या होते थे, वो विम थोड़ा गोलो पानी में डालो, सर्फ भी सर्फ पानी में मिक्स करो और बुलबुले, एक मरतबा बस वो खरीद ली वो जो रिंग सी मिलती होती थी जिसके साथ बबल बनाते थे, हाँ उसके बाद फिर घर में ही आपने वो साबुन के साथ बना बना कर तो बबल्स जो है वो उड़ाने, इतना अच्छा लग रहा था। आजकल के बच्चों को बनी बनाई चीजें चाहिए फिर भी खुश नहीं होते। एग्जैक्टली मैं यही बात करने लगी थी, इतना इजीली उनको सब चीजें मिल जाती हैं और उसके बावजूद वो मतलब सेटिस्फाई नहीं होते, हम लोग छोटी सी चीज पर भी बड़े खुश होते। मुझे अच्छी तरह याद है बचपन में वो जो फीमेल्स औरतें होती थी, फीमेल्स वो ना औरतें होती थी वो आती थी, वो छापे भी लगाती थी, उनके पास बुलबुले भी होते थे बोतल में ना, तो उनसे लेकर वो 1 रुपए के 2 रुपए के उन्होंने वो देने के शापर में डाल के, और इतना मजा आना करना। अब तो बच्चे वो वैसे वो ट्रेंड भी खत्म हो गया हुआ है और बच्चे भी जो है ना वो ये शापर सा पकड़ा दिया। लेकिन मैंने एक चीज देखी है, परचेजिंग पावर अच्छी बात है कि सब लोगों की पहले से ज्यादा हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना मुझे ऐसे लगता है कि ना कहीं बच्चों की बड़ों की जो खुशियां ना वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि पहले हम छोटी सी चीज लेकर भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे। अभी जैसे उन्होंने वो एक स्टॉल दिखा ना जहाँ पर काफी ज्यादा टॉयज लगे थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि हम लोगों के लिए ना टॉयज ज्यादा लेना, एक मतलब एक पैक भी लेना तो बड़ा ना वो बड़ी एक्साइटमेंट वाली चीज होती थी कि हमें मिल गई है, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं होती थी कि ये हमें मिल रहा है। लेकिन आजकल के बच्चों के पास इतने टॉयज होते हैं भर भर कर, उसके बावजूद उनको और चाहिए होते हैं। मुझे अच्छी तरह तो बचपन में ना इतना सा एक बॉक्स मिलता था, छोटी छोटी गाड़ियां होती थी, बिल्कुल, तो वो जो है बर्थडे पर मिलना या वैसे बाजार जाना 10 रुपए की एक गाड़ी मिलती थी, वो मिल जाना हमने बड़ा खुश है, बहुत बड़ा मार्का मार लिया हमने भाई। अब तो बच्चों को भाई आप पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी ला देना, ये क्या है? हाँ मतलब नहीं, मैंने देखा है उनका 1-2 दिन इंटरेस्ट रहेगा, हाँ। उसके बाद उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे टाइम पर चीजें जो थी ना, हम लोग उनकी काफी ज्यादा केयर भी करते थे और काफी लंबे अरसे तक उसका इस्तेमाल भी। याद है बचपन प्लेन होता था, हाँ, कितना लंबा सा वो चला था, वो लेकर आए थे, इतना सा प्लेन था और बड़ा अच्छा लगता था। खैर एनीवे मैं कहूंगी ओवरऑल काफी मजे की वीडियो थी, मजा आया देखकर, एंड आई होप आगे भी हमें मुंबई जो है वो और ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिले विद मुशी भाई, और हमें भी खुद भी कभी मौका मिले। भी बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं आप लोग कब आ रहे हैं, आप लोग कब आ रहे हैं, वीजा मिलेगा तो आएंगे ना, वीजा मिलेगा तो डेफिनेटली जरूर हम लोग आएंगे। एनीवे गाइस ये थी हमारी आज वीडियो, इसी के साथ हम जाते हैं, चल करें सब्सक्राइब शेयर बाय।